जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC OCES DGFS 2020 एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि फाइनली आपका अनाउंस हो चुका है और अब आप लोग इसको डाउनलोड भी कर पाओगे। और ये डाउनलोड करके मैं आपको लाइव इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप अपनी लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड भूल चुके हो तो आप किस तरह से उसको रिकवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जिन लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करके रखा है या फिर जो लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं शुरू। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। अब यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हो डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक न्यू जो टैब है वो ओपन हो जाएगी, या फिर कह लीजिए कि न्यू इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है और अपना पासवर्ड डालना है। ये जानकारी आपकी वही है जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके बाद जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला था वो जानकारी आप यहाँ पर भर रहे हो। और भरने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पर आप दोस्तों आपका एग्जामिनेशन वेन्यू कंप्लीट एड्रेस के साथ देख सकते हो। एग्जाम डेट यहां पर दी जा रही है। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 9 बजे रहेगा और आपका एग्जाम स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे से। इसके अलावा आप और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप यहां पर देखोगे, साथ ही आपको एग्जाम देते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है वो सभी इंस्ट्रक्शन आप यहां पर रीड कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको एक बार रीड जरूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई जो शर्त होती है वो यहाँ पर लिखी होती है पर आप उसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए आप एक बार इन इंस्ट्रक्शन को रीड जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपने ये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है और नीचे आपको यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अपनी लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको किस प्रकार से रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, लॉगिन के नीचे कोई भी इसको रिकवर करने के ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसमें कि आपकी हेल्प हो सकती है अपनी लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड को रिकवर करने में। तो आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में नीचे की तरफ देख सकते हो हेल्प डेस्क का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्वेरी के अंदर अदर्स चूज करना है, और चूज करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि अप्लाइंग स्ट्रीम, अप्लाइंग डिसिप्लिन, स्टेट वाइज क्वेरी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, नेम। यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है तो आप यहाँ पर इनको फिलअप करके सबमिट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी क्वेरी है उसको पूछ सकते हो, और इसका आंसर आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कोई भी और तरीका नहीं है इनसे बात करने का या फिर आपको अपनी जानकारी को रिकवर करने का। तो दोस्तों बस यही थी आपकी जानकारी। आई होप ये जानकारी और ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।